समस्तीपुर के आदर्श मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में सूबे में आया सेकेंड टॉपर, परिजन समेत इलाकों में खुशी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मैट्रिक बोर्ड का परिणाम बिहार बोर्ड द्वारा घोषित किया गया है, जिसमें समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर प्रखंड के दमदम्मा गांव के एक मजदूर पिता के पुत्र ने सूबे में दूसरा स्थान ला परिजन व गांव समेत पूरे जिले का मान बढ़ाया है। उक्त गांव निवासी मजदूर रामनाथ महतो के पुत्र आदर्श ने कुल 500 में 488 अंक लाए। इसे सुनकर जहां इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं मां नीलम देवी ने अपने पुत्र को भगवान की तरह आरती उतारी है। वहीं पेशे से शिक्षक चाचा गर्व से फूले नहीं समाते नजर आए। हमारे संवाददाताओं ने जब आदर्श को बधाई देने उसके घर पहुंचे तो आदर्श और उसके परिजनों से क्या बातचीत हुई, देखें इस रिपोर्ट। बिहार में जो है 10वीं बोर्ड में सेकंड टॉपर किया है, क्या कुछ कहिएगा और क्या कुछ अपेक्षा था आपका, कैसी तैयारी थी? मेरी तैयारी तो शुरुआत से अच्छी थी और मैं सोच रहा था कम से कम मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप खड़ू। इस शुरुआत से मेरी यही मतलब पूरा स्कूल में अच्छा अंक आए। वही जो कैसे कहाँ पढ़ाई करते थे और क्या कुछ जो है कहिएगा? मैं ऑफलाइन कोचिंग दादाजी के यहाँ शेयर पॉइंट पढ़ता था और सेल्फ स्टडी भी किया और मतलब यूट्यूब पर लास्ट टाइम में ऑनलाइन पढ़े थे। पापा क्या करते हैं और आगे आपका क्या बनने का इरादा है? पापा मेरे मजदूर हैं। कहाँ मजदूरी करते हैं? दिल्ली में। अच्छा, कब से कर रहे हैं? कब से, जब हम कहीं तो 6 साल के थे तभी से। क्या कुछ बनना है आगे? क्योंकि अंदर बहुत अच्छा क्या बतलाओ, उसे बचपन से ही तैयार किए थे। ठीक है, पढ़ाई लिखाई मेरा भतीजा है, वो बहुत अच्छा से पढ़ रहा था, शुरू से ही मेधावी लड़का रहा था, क्योंकि उसे बचपन से ही हम पढ़ाए। हम कोचिंग चलाते हैं, छोटा सा कोचिंग चला रहे थे, अब तो हमारी भी ज्वाइनिंग हो गई है तो कोचिंग पर समय नहीं दे पाता हूँ, जो सच्चाई है, क्योंकि हमारी ज्वाइनिंग 11th 12th में इस बार हुई है। PPSC TRE 2 हम क्वालिफाई किया है और खानपुर ब्लॉक मेरा ड्यूटी है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, कोचिंग अब नहीं चला पाते हैं। कुछ हमारे ही लड़के लोग हैं जो कि वहाँ अभी भी गाइड कर रहे हैं, लेकिन उस लड़के को मुझे सौभाग्य इतना था कि घर परिवार के जितने भी बच्चे थे सबको हमने खुद से तैयार किया। मेरा छोटा भाई भी इस बार 11th 12th में सेलेक्ट हुआ है, इसे भी मैंने बचपन से देखा था। मेरा एक चाचा का लड़का है इंडियन नेवी में अभी जॉब कर रहा है, वो लड़का उसे ही मैंने देखा था, मतलब घर परिवार को जो है खुद से देख रहे थे। बहुत आनंद फील हो रहा है और क्षेत्र में भी बहुत अच्छा लड़का सब तैयार। क्या लगता था आदर्श जिस तरह से तैयारी कर रहा था, आप लोगों को लग रहा था टॉप करेगा? जी नहीं, ये कहीं भी किसी भी दृष्टिकोण से मेरे दिमाग में ये बात नहीं आ रहा था कि मेरा भतीजा जो है सो इतना बढ़िया जो है बिहार का टॉपर बन जाएगा। हाँ, ये उम्मीद था कि जिला टॉप जरूर कर जाएगा, ये उम्मीद था मुझे। क्या घर में आनंद लग रहा है? बहुत सुंदर खुशी का माहौल है सर। आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वैद्यनाथ महतो है। बिहार का सेकंड टॉपर रहा है आदर्श कुमार। ये हमारे गांव के हैं, मेरा घर बगल मिर्जापुर हुआ हाई स्कूल के बगल में, और सडी पढ़ती कोचिंग से हम लोग भी पढ़े हैं जैसो, और संजोग से मुझे जानकारी मिला तो पता चला कि ये नज़दीकी बच्चा है और बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत मेहनती बच्चा है। हम लोग भी विद्यालय में वहाँ देखते थे, बहुत ही अनुशासन तरीका से बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करता था और स्टडी पॉइंट में वहाँ कोचिंग कर लेता था जैसो, बहुत ही अनुशासित और बेस्ट बच्चा था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धीरज कुमार सिंह हुआ।